टॉप 15 समर ड्रेसेस फ्रॉम मीशो। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मीशो की टॉप 15 समर ड्रेसेस, जिसमें आपको लॉन्ग ड्रेसेस भी मिलेगी, मिडी ड्रेसेस भी मिलेगी और सारे ही जो प्रिंट है ना बहुत ज़्यादा समरी है। फ्लोरल प्रिंट आपको इन सारी की सारी ड्रेसेस में मिल जाएगा। और जो सारी ड्रेसेस है वो अंडर 400 रुपीज है और स्टार्टिंग होने वाली है जस्ट 180 रुपीज से। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं आज की फर्स्ट ड्रेस से। उससे पहले मैं सारी की सारी ड्रेसेस ना नीचे रख देती हूँ, सो दैट थोड़ा सा स्पेस मिल जाए और मैं आपको कंफर्टेबल होकर ड्रेसेस दिखा पाऊँ। और आज का ना जो मौसम है, हमारे यहाँ पर तो यार बहुत ज्यादा बारिश हो रही है क्योंकि बारिश का सीजन स्टार्ट हो चुका है, मॉनसून स्टार्ट हो चुका है। आपके यहाँ के मौसम के क्या हालचाल है आप मुझे कॉमेंट में शेयर कर सकते हो, ताकि हम लोग की बॉन्डिंग बनी रहे ऐसे ही आगे तक। अब मैं आपको दिखाती हूँ आज की फर्स्ट ड्रेस, जो मेरी पर्सनल फेवरेट है। बट मतलब मैंने जितने भी ड्रेसेस मंगाई है ना, अभी कोई भी ट्राई ऑन नहीं किया है, कोई भी नहीं देखे, बट अनबॉक्सिंग कर दी है। जैसे मैंने अभी आपसे पहले वीडियो में कहा था कि मैं अनबॉक्सिंग वीडियो भी बनाती हूँ, जो ना मैं रील डालती हूँ इंस्टाग्राम पे। अगर अभी तक आपने मुझे वहां पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे मैं आपको ना यहाँ पर इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगी, सो दैट आप मुझे वहाँ फॉलो कर लेना और अपडेट रहना मेरे आने वाले हॉल से, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी अनबॉक्सिंग रील मिल जाती है और मैं अपडेट भी वहाँ पे दे देती हूँ कुछ भी मुझे देना होता है मीशो के रिगार्डिंग या फिर यूट्यूब के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट ड्रेस मैं आपको दिखाती हूँ, सबके ना इमेज मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगी विद प्राइस क्या है उसका, ठीक है। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली ड्रेस। ये जॉर्जेट मटेरियल में है और इसका कलर सच में बहुत प्यारा है। आप इसका कलर देख सकते हो, व्हाइट के साथ ना आपको इतने अच्छे फ्लावर प्रिंट यहाँ पे दे रखा है, पिंक कलर में है और ग्रे के साथ यहाँ पे कॉम्बिनेशन दे रखा है। नेक डिटेलिंग की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको स्क्वायर नेक मिल जाएगा, ये इसका बैक है और ये इसका फ्रंट है। तो आपको इलास्टिक वाली यहाँ पे ना स्लीव्स मिल जाएगी, ये देखो, ये चीज मेरे को ज्यादा अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी रहती है। और इसके अंदर आपको ना लाइनिंग अटैच करके दी गई है, तो यहाँ तक आपको इसमें लाइनिंग मिल जाएगी। लाइनिंग का फैब्रिक अच्छा है, काफी थिक फैब्रिक है और ये ना काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी रहेगा और ये स्ट्रेचेबल भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो क्वालिटी बहुत अच्छी लगी। फॉक्स जॉर्जेट का आपको इसमें मटेरियल मिल जाता है। आई गेस इसमें 6 से 7 कलर आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे साइजेस में अवेलेबल थे। तो आपको अगर ये पसंद आते तो आप इनमें से कोई भी साइज अपने लिए ऑर्डर कर सकते हो, बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी आई है। फटाफट से मैं आपको ना इसको ट्राई ऑन करके दिखाती हूँ। ओके, तो ये है हमारी इस हॉल की फर्स्ट ट्राई ऑन और ये ड्रेस ना सचमुच बहुत ज्यादा प्रिटी आई है। जैसा मैंने देखा था वैसे ही मेरे को रिसीव हुई है, यहाँ तक इसका जो प्रिंट है ना वो भी सेम टू सेम मेरे को डिलीवर हुआ है। वरना मीशो पे कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है, सेम आपको दे देंगे बट प्रिंट में चेंज दे देंगे या फिर स्टाइल पैटर्न में चेंज दे देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सेम मेरे को रिसीव हुई है। अगर मैं इसकी फैब्रिक की बात करूँ ना, तो आपको फॉक्स जॉर्जेट का फैब्रिक मिलता है, जो इस समर सीजन में ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है, जिससे आपको बिल्कुल भी रैशेज नहीं होते हैं, तो बहुत अच्छा भी रहता है, बहुत ब्रीथेबल भी रहता है, ठीक है। आपको लेंथ इसकी यहाँ तक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं मेरे को काफ लेंथ तक ये ड्रेस मिल रही है पूरी, ठीक है। फ्लेयर आपको इसमें मिल जाता है कुछ इतना, आप यहाँ पे फ्लेयर भी इसका देख सकते हो, 3 लेयर में इसको डिवाइड कर रखा है, जिससे इसका फ्लेयर काफी अच्छा बन जाता है तब लेयर वाली ड्रेसेस हो, ठीक है। तो मेरे को तो काफी सही लगा। इसमें ना 7 से 8 कलर आपको बहुत मिल जाएंगे, वो भी बहुत ज्यादा प्रिटी है। सारे ही ना इसमें पेस्टल शेड दे रखे हैं, लाइक लाइम ग्रीन और येलो और पेस्टल शेड जितने भी होते हैं ना वैसे दे रखे, कुछ भी आपको वाइब्रेंट कलर इसमें नहीं मिलेगा। तो मेरे को ना ज्यादा जो व्हाइट और ग्रे पिंक का जो इन्होंने कॉम्बिनेशन दे रखा है ना वो ज्यादा कूल लगा, तो मैंने इस वजह से ये वाली ड्रेस ऑर्डर की, ठीक है। अगर मैं इसके नेक की डिटेलिंग आपको दिखाऊं, तो आपको स्क्वायर नेक मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर नेक की शेप आपको दिख रही होगी। स्लीव्स आपको कुछ ऐसी खास नहीं दी गई है, बट इसमें ना इलास्टिक वाला वर्क दे रखा है, आप ये देखो इलास्टिकेटेड आपको स्लीव्स मिल जाते हैं और यहाँ पर रफल का इन्होंने पैटर्न दे रखा है। मेरे को थोड़ी सी स्लीव ना लूज आ रही है, अगर मैं थोड़ा सा ये करूंगी तो ठीक है, इतना ज्यादा डीप नहीं है इसका नेक, आप देख सकते हो इसका नेक डीप नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और इसमें जो इन्होंने आर्म होल दे रखे हैं वो भी इतने ज्यादा लूज नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी फिटेड ड्रेसेस चाहिए तो आप थोड़ी सी ना यहाँ पे 1-2 इंच की सिलाई लगवा सकते हो, तो बहुत अच्छे से फिट हो जाएगी, बट इतनी मेरे को ठीक लग रही है। ऑल्टरनेशन की बस जरूरत यहीं पर है। बैक से मैं आपको दिखाती हूँ कैसी दिख रही है, तो बैक पे भी आपको सेम ही नेक डिटेलिंग यहाँ पे दे रखी है, स्क्वायर नेक आपको मिल जाएगा, रफिल की ये मिल जाएगी। और मैंने इसमें स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल मंगाया होगा, जो मेरे को काफी अच्छे से फिट हो गया है,
और इसके अंदर ना आपको लाइनिंग भी मिली है, तो लाइनिंग की जो लेंथ है वो अबव नी है, यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, थोड़ा डार्क शेड है, यहाँ पे लाइट आ रहा होगा, तो यहाँ तक आपको ना इसमें लाइनिंग मिल जाएगी, जो कि अगेन काफी स्ट्रेचेबल है, तो फैब्रिक इसका भी अच्छा लगा। और इसमें मैंने अभी शॉर्ट्स वगैरह कोई वियर नहीं किया, तो सी थ्रू भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा लाइट कलर मैंने इस बार इस टाइम पहना हुआ है व्हाइट कलर, जिसमें सी थ्रू की प्रॉब्लम ज्यादा होती है कोई भी ड्रेस में, बट इसमें आप देख सकते हो कुछ भी ऐसा विजिबल नहीं हो रहा है, तो काफी सही है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से भी अच्छा लगा, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, और इसका जो लुक आ रहा है ना वो भी मेरे को काफी ज्यादा कूल लगा, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत अच्छी लगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाली ड्रेस, ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंडी है, मतलब आज के हॉल में मैंने जितनी भी ड्रेसेस मंगाई है वो मीशो पे बहुत ज्यादा ट्रेंडी है इस टाइम पे, इतने सारे अच्छे अच्छे रिव्यू दे रखे थे और बहुत सारे लोगों ने उनको ना रेटिंग की हुई थी, तो मैंने सोचा चलो वही हम ड्रेसेस मंगाते हैं। ये वाली ड्रेस मैंने मंगाई थी, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, और इसका जो प्रिंट इन्होंने दे रखा है ना वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी। इसका अगर मैं एक्चुअल प्राइस बताऊं तो वो 2000 रुपीज का है, यहाँ पर आपको मेंशन भी होगा, ये देखो अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ पर इसका 2000 रुपये लिखा है, 1 रुपया कम है, मतलब 1999 कुछ लिखा है, बट ये मैंने आई गेस 300 रुपये के आसपास खरीदी है, और इसकी फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ये जॉर्जेट का फैब्रिक नहीं है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा इसका फैब्रिक क्या है, बट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहना है, बहुत हल्का इसका फैब्रिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा आपको कुछ डिजाइन मिल जाता है, वी शेप में आपको नेक मिलेगा, वेस्ट लाइन पे ना आपको ऐसे इलास्टिकेटेड वर्क मिल जाएगा इस तरीके से, तो मुझे अच्छा लग रहा है, और आपको यहाँ पे थोड़ा सा पफ के साथ स्लीव्स मिल जाती है, हाफ स्लीव्स आपको मिल रही है। अगर मैं इसमें फ्लेयर दिखाऊं तो आपको कुछ इतना फ्लेयर मिल जाता है, ये देखो फ्लेयर बहुत अच्छा है। अब ये डिफेक्ट है क्या ये समझ नहीं आ रहा, यहाँ पर ये ना ये व्हाइट कलर का कुछ पैटर्न आ रहा है, और ड्रेस में ये कहीं पर नहीं है, यहीं पे दिख रहा है थोड़ा सा, तो पता नहीं ये कुछ लगा हुआ भी नहीं है, ये मुझे लग रहा है ना फैब्रिक में प्रिंट है ऐसा ही, तो ये चीज थोड़ी सी मेरे को मैनेज करनी पड़ेगी, या फिर मैं देख लूंगी इमेज में। क्वालिटी वाइज ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा अगर आप लोग मेरे लिंक के थ्रू कुछ भी खरीदते हो ना, आपको ये ड्रेसेस समझ में आती है, अच्छा लगता है आपको कलेक्शन, आप ऑर्डर करते हो, तो प्लीज मुझे ना इंस्टाग्राम पे बता दिया करो कि आपने क्या खरीदा है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि आपको हाँ मेरा कलेक्शन समझ में आ रहा है, तो उसके लिए ना आप मेरे को फोटो शेयर कर दिया करो अपने जो भी खरीदा है, और वहां पे आप मेरे को उसका रिव्यू भी शेयर कर दिया करो कि आपको उसकी क्वालिटी कैसी रिसीव हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम हैंडल मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फटाफट से ट्राई ऑन। ओ माय गॉड लुक एट द ड्रेस गाइस, ये रही कितनी ज्यादा कूल लग रही है, इसका कलर ना सच में इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है, अगर आपका जो टोन है ना वो कूल टोन या वार्म टोन कुछ भी हो, बट फेयर स्किन पे तो बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इसका कलर डार्क है तो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ना ये कॉम्प्लीमेंट करेगा, मुझे तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आप इसका ना फिट देख सकते हो, कितने अच्छे से इन्हें बॉडी को फिट यहाँ पे बॉडी हग किया है, ठीक है, यहाँ पे इलास्टिक का पूरा काम मिल जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप थोड़ी चबी साइड पे ना तो भी अच्छे से फिट हो जाएगी, और इलास्टिक की क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है, बॉक्सी पैटर्न आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर वी शेप में आपको नेक मिल जाएगा, ज्यादा डीप नहीं है तो ज्यादा रिवीलिंग नहीं रहेगा, अगर मैं झुकू भी तो भी आपको कुछ यहाँ पे ना दिखने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे से इन्होंने नेक की जो लेंथ दे रखी है काफी सही दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे स्लीव्स मेरे को ना पर्सनली ऐसी जो पफ वाली स्लीव्स होती ना बचपन से मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पहले मैं ऐसी ड्रेसेस ही पहनती थी, अभी ट्रेंड चेंज होते रहते तो थोड़ा चेंज करना पड़ता है खुद को, ठीक है। यहाँ तक आपको स्लीव्स मिल जाएगी, बहुत कंफर्टेबल है, टाइट नहीं है कि आपको गर्मी में इरिटेट करे, ठीक है। और मैं अगर आपको इसकी लेयर दिखाऊं ना, 3 लेयर में आपको ये ड्रेस भी मिल जाती है, प्रिंट बहुत अच्छा है, आपको ब्राउन के ऊपर ब्लैक कलर का ना सर्कल वाले प्रिंट मिल जाएंगे, तो काफी कूल लगा मेरे को, और इतना कुछ आपको फ्लेयर इसमें मिल जाता है, आप यहाँ पे इसका फ्लेयर देख सकते हो, मेरे को तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी लगी। बैक से ना मैं आपको उसका नेक दिखाती हूँ, नेक कैसा है, तो यहाँ पे छोटा सा इन्होंने नेक दे रखा है, तो ज्यादा बड़ा नेक नहीं है, बट आपको यहाँ पे भी बॉक्सी पैटर्न इसका पूरे पे इलास्टिक गेट है, मतलब फुल इलास्टिक आपको मिल जाएगी पूरी ड्रेस में, ठीक है। और कुछ इस तरीके का आपको इसका प्रॉपर लुक मिलेगा, तो काफी अच्छा कलर है, इसमें ना एक ही कलर मिलेगा, और साइज इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, मैंने इसमें मंगाया है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, जो आप देख सकते हो कितने अच्छे से मेरे को फिट हो गया है, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ ही मेरे को मिला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट से नेक्स्ट आर्टिकल की मैंने नेक्स्ट क्या परचेज किया है। नेक्स्ट है मेरे पास ये नेवी ब्लू कलर में ड्रेस, इसमें भी आई गेस 3 से 4 कलर वहां पर मिल जाएंगे, और ये कुछ इस तरीके के, इसका फैब्रिक है रेयन और थोड़ा ना थिक फैब्रिक है, तो मैं आपको पहले इसका फ्लेयर दिखाती हूँ, आप देखो ये ना लेयर में बना हुआ है, यहाँ पे एक लेयर आपको दे रखी है, और पूरे पे आपको इतना फ्लेयर मिल जाता है, प्रिंटेड वर्क मिलेगा, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है नेवी ब्लू के साथ बेबी पिंक का जो इन्होंने दे रखा है। यहाँ पे सारे में ना आपको प्लेटेड वर्क मिलेगा, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे सारे पे चुन्नटों वाला यहाँ पे काम दे रखा है, और ये ना स्ट्रैपी पैटर्न के साथ मिलती है, तो आपको शोल्डर से उतरने की वो नहीं रहेगी इसकी ड्रेस की प्रॉब्लम, ठीक है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। और इसमें यहाँ पे भी आपको नेक लाइन पे भी आपको इलास्टिक मिल जाएगी, ठीक है,
तो क्वालिटी तो मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। और सारे के सारे ड्रेस ना अंडर 400 है, जैसे मैंने बोला, बट 400 तक भी कोई ही गई है, साड़ी 350 के अंदर है, मतलब बहुत ज्यादा अफोर्डेबल ये हॉल रहने वाला है आज का। तो इसकी क्वालिटी भी मेरे को अच्छी लगी, जैसे मैंने आपको बताया रेयॉन का फैब्रिक है, इनमें कोई भी ना आपको स्लीव्स अटैच करके नहीं मिलेगी, और ये आपको रहने वाली है मैक्सी ड्रेस कह सकते हैं। मेरे को अब पता चलेगा तब मैं इसको पहनूंगी कहाँ तक आएगी, वैसे वहां पर ना ये मैक्सी लेंथ में दिखा रखी थी, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। फटाफट से ट्राई ऑन करते हैं। ओके, तो इस ड्रेस का लुक आपको दिख ही गया होगा किस तरीके की आपको प्रॉपर ड्रेस ये मिलने वाली है। रेयॉन का फैब्रिक मैंने ये ड्रेस मिल जाती है, और इसमें आपको ना 6 से 7 कलर और मिल जाएंगे। मैंने बहुत सारे कलर अलग अलग मंगाया, तो मैंने सोचा चलो एक ना ब्लू कलर भी मंगा लेते हैं, तो मैंने ये वाली मंगाई। इसमें आपको छोटे छोटे फ्लावर प्रिंट का वर्क मिल जाएगा, ब्लू के साथ जो कंट्रास्ट दे रखा है ना पिंक का, वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और मैं पहले ना कभी भी आप सूट वगैरह भी पहनो ना, तो उसके साथ ये कंट्रास्ट होगा ना, सच में बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। स्ट्रैपी पैटर्न आपको मिल जाता है, और स्ट्रैपी पैटर्न के साथ साथ ना आपको यहाँ पर ये एडजस्टेबल मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लास्टिक का मटेरियल मिल जाएगा, तो आप स्ट्रैप को ना एडजस्टेबल कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। ये देखो मेरे को यहाँ पे लूज हो रही है बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर कर रखा है। तो इस तरीके की पूरी फिटिंग आएगी। वी शेप में आपको ना इसका नेक मिले, वी नहीं है, थोड़ा सा कर्विश है, तो आपको कुछ इस तरीके की लेंथ मिल जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा डीप हो, बट इतना ज्यादा रिवीलिंग नहीं है। अगर आप झुकोगे तो हाँ प्रॉब्लम होगी, बट आप देख सकते हो फ्रंट से कुछ इस तरीके का दिखेगा। आर्म होल भी ना इसकी ज्यादा डीप नहीं है, जैसा कुछ कुर्तों में आती है, तो इतनी आपको आर्म होल इसमें मिल जाएगी, उतनी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर मैं फ्लेयर की बात करूँ ना, तो आपको कुछ इतना फ्लेयर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, आप ये देख सकते हो प्रॉपर इतना फ्लेयर, 3 मीटर तक तो आराम से आपको फ्लेयर मिल रहा है। और साथ में ना आपको यहाँ पे फ्रिल का डिजाइन मिल रहा है, आप ये देखो ये लेयर्स मिल रही है फ्रिल का, आपको यहाँ पे डिजाइन मिल रहा है जो काफी सही लगता है। इससे ना घेरा और ज्यादा अच्छे से दिखता है, इनहेंस हो जाता है, ठीक है। बैक से जो इसका नेक है ना, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। यहाँ पे बैक पे ना आपको बॉक्सी पैटर्न मिल जाएगा, बॉक्सी नहीं है, यहाँ पे इलास्टिक मिल जाएगी, तो काफी अच्छे से ना बॉडी को हग कर लेगी ड्रेस। और अगेन यहाँ पे स्क्वायर नेक आपको मिल जाता है, ठीक है। फिटिंग बहुत अच्छी आ रही है, क्वालिटी भी इसकी मेरे को ना बहुत अच्छी लगी। आपको रेयॉन का फैब्रिक इसमें मिल रहा है, कलर बहुत सारे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लेना। मेरे हिसाब से ना इस प्राइस पॉइंट पे बहुत अच्छे, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट है मेरे पास ये येलो कलर में ड्रेस, इसको मैंने तब खरीदा था ना, मतलब खरीदने से पहले 2 महीने पहले मैंने इसको मीशो पे देखा था, और था कि मेरे को ना ये लेनी है, बट ये हमेशा आउट ऑफ स्टॉक होती थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कलर और प्रिंट आपको किस तरीके का मिलेगा। आप देख सकते हो बहुत ही नियॉन कलर है ये जो येलो कलर इन्होंने दे रखा है, बट इसके ऊपर ना वाइब्रेंट कलर के आपको यहाँ पे प्रिंट मिल जाएंगे, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे छोटा साइज था ना, वो स्मॉल साइज मैंने मंगाया, और आई गेस वो मेजरमेंट के हिसाब से आपको 36 मिलेगा। यहाँ पे आपको ना स्ट्रैपी पैटर्न मिल जाता है कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे ना एडजस्टेबल स्ट्रैप आपको मिलती है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो क्वालिटी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, रेयॉन प्लस कॉटन का फैब्रिक कह सकते हो, या फिर ये ना थोड़ा जो खड़खड़ वाला कॉटन होता है बाद में सॉफ्ट हो जाता है एक वॉश के बाद, वैसा भी फैब्रिक मेरे को लग रहा है। आप पहनने के बाद बताऊंगी कितना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। फ्लेयर मैं आपको दिखाती हूँ, आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ना यहाँ पे एक तो लेयर वाला ये डिजाइन मिलेगा, ठीक है, लेयर का पैटर्न है। और फ्लेयर मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इतना आपको फ्लेयर इसमें मिल जाता है, 3 मीटर का आपको इसमें फ्लेयर मिल जाएगा, कलर बहुत अच्छा है। आपको ना इसमें सिंगल कलर मिलेगा, बट ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आपको अगर समर सीजन के लिए कोई ड्रेस चाहिए ना वाइब्रेंट कलर की, और मैक्सी ड्रेस कंफर्टेबल भी हो फैब्रिक, तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बाकी मैंने इसको ट्राई ऑन करती हूँ, उसके बाद आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखो यार, ड्रेस तो बहुत अच्छी आई है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, इसमें ना कॉटन का मटेरियल आपको मिलता है, बट अगेन इसमें मैंने ऑर्डर किया था स्मॉल साइज, जो कि मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बड़ा है, बट फिर भी मेरे को था कि एक बार इस ड्रेस को ना हम लोग क्वालिटी वगैरह इसकी टेस्ट करते हैं कि किस तरीके का आएगा। तो उसके हिसाब से तो ये 10/10 है, बट फिटिंग मेरे को नहीं आएगी क्योंकि स्मॉल साइज मैंने इसमें मंगाया है। बट फिर भी मैं ना आपको उसकी डिटेलिंग वगैरह दिखा देती हूँ, और पहनने के बाद कहाँ से क्या चीज़ दिक्कत हो रही है वो दिखाती हूँ। तो आपने प्रिंट वगैरह तो देख लिया है, अगर आपको समरी वाइब चाहिए, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट कलर पसंद है, तो आप इस वाली ड्रेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सही लग रही है ये। नीचे पे ना आपको फ्लेयर मिल जाता है, और साथ में ना ये फ्रिल का डिजाइन मिल जाएगा। आप देखो बॉटम पे आपको फ्रिल मिल जाती है कुछ इस तरीके की, और चुन्नट दे रखी है, इसे ना फ्रिल बहुत अच्छा रहता है, और फ्लेयर भी बहुत सही आ जाता है इसका, ठीक है। ए लाइन पैटर्न में आई है, ऐसे करके जाएगी ये थोड़ी सी ड्रेस, ठीक है। तो आप ये ड्रेस का लुक देख सकते हो, मेरे को बहुत ज्यादा लूज है, तो इसका नेक भी काफी लूज आ रहा है, और इसकी ना ये जो अंडर आर्म है वो भी बहुत ज्यादा लूज आ रही है मेरे को। मैं इसकी फिटिंग भी नहीं करवाने वाली, क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे को अच्छी नहीं लग रही है मेरे पे, ठीक है। कलर बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहा है। अगर मैं स्लीव्स की बात करूँ ना, तो इसमें एडजस्टेबल स्ट्रैप आपको मिल रही है, यहाँ पे आप देखोगे तो प्लास्टिक का आपको यहाँ मटेरियल मिल जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको एडजस्ट किया हुआ है अभी, बट उसके हिसाब से भी लूज है अगेन, क्योंकि 36 साइज मेरे को एज अ मेजरमेंट रिसीव हुआ है।
बैक से मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा देती हूँ कि किस तरीके की दिखेगी। कुछ इस तरीके की ये ड्रेस आपको दिखेगी, स्क्वायर नेक आपको बैक से मिल जाता है। बट अगर आप ये वाला साइज मंगा रहे हो, ठीक है, इसमें जो सबसे छोटा साइज है ना वो स्मॉल ही आपको मिलेगा, इसके अलावा इससे छोटा साइज आपको नहीं मिलेगा। और आपको ये ड्रेस पसंद आती है तो आप स्मॉल साइज मंगाना और उसको अल्टर करवा लेना, जैसे मैंने मंगाया स्मॉल साइज। मैं इसको अल्टरनेशन के बाद पहनूंगी ना तो बहुत अच्छी लगेगी, स्नीकर वगैरह के साथ अगर आप व्हाइट कलर के स्नीकर पहनोगे ना तो और ज्यादा कूल लगेगी। तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी है। 10/10 आई थिंक ये 300 के समथिंग मैंने इसको मंगाया, तो ले लेना, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आर्टिकल की मैंने नेक्स्ट ये मंगाया है। ओके, तो नेक्स्ट मैंने ये वाली ड्रेस मंगाई, ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंडी है इस टाइम मीशो पे, आप बहुत जगह देख लोगे इसको। और ये ना मिंत्रा वगैरह पे बहुत ज्यादा महंगी मिल रही है यार, बट ये मुझे काफी सस्ती मिली है मीशो पे। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का इसका लुक आएगा। आप देख सकते हो ये ना मिडी ड्रेस है, मतलब मिडी लाइन तक आपको आएगी, और इसमें ना जो फ्लावर प्रिंट का वर्क कर रखा है वो बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। कलर बहुत अच्छा लग रहा है, वी शेप में आपको इसकी नेक की डिटेलिंग मिल जाती है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना डीप रहने वाला है, और वो पता चलेगा तब मैं इसका ट्राई ऑन करूंगी। तब आपको यहाँ पर ना लेयर में वर्क मिल जाएगा, आप देख सकते हो 3 लेयर में वर्क कर रखा है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड ये थर्ड लेयर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ्लेयर। फ्लेयर कुछ इस तरीके का आपको मिल जाएगा, आप ये देख सकते हो 3 से 3.5 मीटर का आपको इसमें फ्लेयर मिल जाता है। फैब्रिक की क्वालिटी बहुत अच्छी है, रेयन का आपको फैब्रिक मिल रहा है, और ना ही ज्यादा थिक है ना ही थिन है, तो मतलब इस समर सीजन में काफी सही रहने वाला है। बैक से आपको दिखाती हूँ, बैक से ना प्रॉपर प्लेन मिलेगा, कोई भी आपको पैटर्न नहीं मिलेगा, बट ये मिडी ड्रेस सच में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। अब फटाफट से इसको ट्राई ऑन करते हैं, इसका फाइनल लुक देखते हैं। सो गाइज, ये है मेरी नेक्स्ट ड्रेस, और ये मेरे को ना सेम टू सेम रिसीव हुई है, मतलब इसका कलर और प्रिंट कहीं से भी ना इतने से भी इतना नहीं हुआ है, क्योंकि मीशो में कई बार फ्रॉड हो जाता है, मंगाते कुछ है और आता कुछ है, बट यार ये बहुत अच्छी है। रेयन का आपको इसमें फैब्रिक मिल जाता है जिसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसमें ना मैंने अभी कोई शॉर्ट्स वगैरह वेयर नहीं किया, ठीक है, तो ये बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं हो रही है, आप इसको देख सकते हो, बहुत ज्यादा ये कंफर्टेबल रहने वाली है। लेयर में आपको इसमें काम मिल जाता है, 3 लेयर में आपको ये वर्क मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो डिटेलिंग इसमें क्या क्या दे रखे हैं, ठीक है। और इसकी जो स्टिचिंग है ना वो बहुत अच्छी है, एक भी धागा इधर से उधर नहीं हो रहा है, आपको इसके धागे भी क्लियर विजिबल हो रहे हैं। ये देखो आप फ्लेयर की अगर मैं आपको बात करूँ ना, फ्लेयर ये देखो कम से कम 4 मीटर का आपको इसमें फ्लेयर मिल जाता है, और ये ना मिडी लेंथ है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो आप देख सकते हो, काफ लेंथ तक आपको इसकी ये मिल जाती है लेंथ, ठीक है, तो मेरे को तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल ही लग रही है। इसमें जो डिटेलिंग दे रखी है वो बहुत ज्यादा फिनिशिंग के साथ है, बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन है, आप ये देख सकते हो। कलर कंट्रास्ट बहुत अच्छा है इसका, ब्लू के साथ जो येलो इन्होंने दे रखा है, थोड़ा सा ना नेक डीप है, इतना ज्यादा डीप नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आप डीप नेक पहनते हो तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे इसे, बहुत अच्छा है सच में। और इसके अलावा अगर मैं स्लीव्स की बात करूँ ना तो ये भी बहुत सही है, देखो आप, ना ही तो ज्यादा इन्होंने बहुत ज्यादा गहराई होती है ना उतनी नहीं दी, मेरे को हल्की सी जो इसके स्लीव्स है ना वो लूज हो रही है, अगर मैं फिटिंग कर लूंगी तो वो भी ठीक रहेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इस समर सीजन में इसकी फिटिंग की जरूरत है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आएगा, अगर मैं बिल्कुल चिपका लूँ तो ऐसे, मुझे ऐसी ड्रेसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, थोड़ा सा लूज हो ना तो सही रहता है, कंफर्टेबल रहता है समर सीजन में। बैक से कुछ दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके की डिटेलिंग मिलेगी, सेम आपको नेक की डिटेलिंग मिल जाती है पीछे भी, ठीक है, बट पीछे आपको कोई भी प्रिंट वगैरह नहीं मिलेगा, 3 लेयर में आपको वर्क मिल जाएगा पूरे पे। और फ्लेयर मेरे को सच में इसमें बहुत अच्छा लगा, इसमें भी आपको 2 से 3 कलर वहाँ पे मिल जाएंगे, कुछ ना अलग अलग सेलर पे भी दिखा रहे थे, कहीं कहीं पे एक ही जगह दिखा रहा था इसका, ठीक है, तो मेरे को याद नहीं है मैंने 3 वाले से खरीदा है या सिंगल वाले से। तो कुछ इस तरीके का प्रॉपर लुक देगी ये ड्रेस, मैं आपको दिखाती हूँ इसका फ्लेयर ना, घूम के दिखाती हूँ सो दैट आपको आइडिया हो जाए। ये देखो कितना ज्यादा फ्लेयर है इसमें, बहुत अच्छी लगेगी, अगर आप इसको स्नीकर के साथ वेयर करोगे ना तो ज्यादा कूल लगेगी, आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब आप इसको भी परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना अपना नेक्स्ट आर्टिकल की मैंने नेक्स्ट क्या खरीदा है। नेक्स्ट मैंने एक और मंगाई थी लेपर्ड प्रिंट में, ये वाली ड्रेस, ये ना बहुत ट्रेंडी है, मतलब ये पैटर्न ही बहुत ज्यादा ट्रेंडी है, इसमें आपको शर्ट भी मिल जाएंगे, शॉर्ट्स भी मिल जाते हैं, बट मैंने इसमें मिडी ड्रेस मंगाई है। आई डोंट नो कि ये मिनी रहने वाली है, मैक्सी रहने वाली है। ओ, इसमें ना साइड में जिप भी है, पहले मैं आपको जिप दिखाती हूँ, देखो आपको साइड में ना यहाँ पे जिप दी गई, तो इसे ओपन करने में या फिर पहनने में आपको ना दिक्कत नहीं होगी, वरना टाइट जो होती है ड्रेसेस उन्हें पहनने में प्रॉब्लम होती है अगर उसमें जिप नहीं होती है तो। और जिप की क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी, इनविजिबल जिप है, आपको पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे जिप लगा रखी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेस किस तरीके की है। तो ये है ड्रेस का फ्रंट एरिया, मतलब फ्रंट पार्ट, जो कि आपको नेक पे कुछ ऐसा हल्का सा शेप दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, आप इससे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ये बैक है या फ्रंट है। यहाँ पे आपको ना ये लेयर में वर्क मिल जाएगा, ऊंचा नीचा वाला जो होता है, मेरे को इसका पैटर्न का नाम नहीं पता क्या कहते हैं, बट कुछ इस तरीके का आपको इसका पैटर्न मिल जाएगा, जो काफी सही लग रहा है, बहुत कूल लग रहा है, ठीक है। इसके अंदर आपको लाइनिंग भी मिलती है, मैं आपको लाइनिंग दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके की आपको लाइनिंग मिल जाती है, फैब्रिक अच्छा है और ये ना बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल भी है, तो सही रहने वाली है। बैक से मैं आपको दिखाती हूँ,
बैक से भी कुछ इस तरीके की आपको ये ड्रेस मिल जाएगी। प्रिंट बहुत अच्छा है, एग्जैक्ट सेम मेरे को ये रिसीव हुई है और इसमें मैंने ऑर्डर किया है स्मॉल साइज। साथ में ना आपको बांधने के लिए यहाँ पे स्ट्रिंग दी गई है, ये आपके शोल्डर के लिए स्टेप दे रखी है जो आपको टाई करनी है ऐसे करके, ये स्टिच नहीं की गई है। तो पहनते हैं फटाफट से इसको, ट्राई ऑन करते हैं एंड इसका फाइनल लुक देखते हैं। ओके, तो ये वाली ड्रेस में ना पहनने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लग रही है और आप इसको पूरा, आपको इसका पूरा लुक दिख ही रहा होगा कि किस तरीके की दिख रही है। एग्जैक्ट ना सेम मेरे को रिसीव हुई है जैसे मॉडल पर दिख रही थी और लेंथ भी उतनी ही है। इसमें ना थोड़ा ऊंचा नीचे ये पैटर्न दे रखा है, थोड़ा लंबा है फिर थोड़ा सा छोटा है, ठीक है पूरी इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात मेरे को इसमें ये लगी, मैंने अभी थोड़ा सा गौर किया इसमें, यहाँ पे ना आपको पीको करके दे रखी है पूरे के पूरे नीचे के साइड पे, इससे ना फ्लेयर काफी अच्छा रहता है और थोड़ा सा ना बाउंसी सा हो जाता है, तो मेरे को सही लगती है ऐसी ड्रेस। अगर किसी की भी बॉटम वेयर पे आपको पीको मिलती है तो बहुत अच्छी उसकी फिनिशिंग रहती है। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसे फ्रिल्स का डिजाइन इसमें बन रहा है, हालांकि इन्होंने नहीं बनाया बट पीको से वो लुक आ रहा है आपको, ठीक है। प्रिंट कुछ इस तरीके का है, फ्लेयर आपको इसमें इतना मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है आप ये फ्लेयर देख सकते हो। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, जॉर्जेट का आपको ना इसमें मटेरियल मिल जाता है, सिंगल कलर आपको इसमें मिलेगा और कोई कलर अवेलेबल नहीं है। बट साइजेस ना इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे, स्मॉल से लेके डबल एक्सल तक था शायद जितना मेरे को याद है। अगर मैं स्लीव्स की बात करूँ तो मैंने ना स्लीव्स अब इसमें टाई कर लिया, तब मैंने इसको अनबॉक्स किया था, मैंने आपको दिखाया था कि इसमें टाई करने के लिए, तो मैंने इसको बांध लिया और कुछ इस तरीके का नेक की फिनिशिंग आपको मिलेगी बांधने के बाद। थोड़ा सा टाइट हो गया तो यहाँ से थोड़ा सा ना ये ऐसे फूल गया, बट आप इसको थोड़ा सा लूज बांधोगे ना तो ये कंफर्टेबल रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके की फिटिंग इसमें आ जाएगी, फिटिंग उन्होंने बहुत अच्छी दे रखी है और ये ना प्रिंसेस कट इन्होंने यहाँ पे काट रखा है, यहाँ पे आपको हेम लाइन दिख रही होगी इस तरीके से, तो इससे ना फिटिंग बहुत अच्छी आती है आपकी बस्ट एरिया की, ठीक है। एंड बैक से ना कुछ इस तरीके का आपको नेक मिलेगा, ये मैं इसको अंदर कर लेती हूँ। बैक से आपको मिलता है स्क्वायर नेक और इसकी जो फिटिंग है वो पीछे से भी बहुत अच्छी आई है, फिटिंग मेरे को काफी सही लगी। साथ ही साथ इसमें यहाँ पे ना आपको ये दे रखी जिप, ठीक है, तो जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है और इनविजिबल आपको जिप मिल जाती है। पीछे से भी आपको कुछ इस तरीके का इसमें फ्लेयर मिल जाता है, तो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है। सॉफ्ट जॉर्जेट का आपको मटेरियल मिल जाता है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको आसपास फंक्शन वगैरह है, छोटी मोटी पार्टी है ना, कॉकटेल वगैरह, उसमें भी पहन सकते हो, बहुत ज्यादा सही लगेगी। बट आपको जरूरत है तो अच्छे से मेकअप करने की, एसेसरीज वगैरह पहनने की, ठीक है, बहुत अच्छी लगेगी। एंड मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आर्टिकल की मैंने नेक्स्ट क्या परचेज किया, आप इसको डेफिनेटली ट्राई करना। तो नेक्स्ट है मेरे पास ये वाली ड्रेस, ये ड्रेस ना इस हॉल की सबसे सस्ती ड्रेस है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अंडर 400 है और स्टार्टिंग होने वाली 180 से। तो ये वाली ड्रेस है जिसका फैब्रिक ना मक्खन वाला जो कपड़ा होता है ना कुछ इस तरीके का, इतना ज्यादा ग्लाइड करेगा आपका हाथ इसमें, बहुत सॉफ्ट है ये, ठीक है। यहाँ पे ना आपको ये है इसका बस्ट एरिया, टॉप एरिया मतलब, तो ये इतना ज्यादा स्ट्रेचेबल है, आप देखो यहाँ पे इस तरीके का आपको पैटर्न मिलेगा पूरे पे इलास्टिक, साथ में आपको ये स्टेप्स मिल रही है और ये स्टेप आपको ना एडजस्टेबल मिल रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आपको ये प्लास्टिक का मटेरियल दे रखा है जिसे आप इसे अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। नीचे से मैं आपको इसका प्रिंट वगैरह दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का प्रिंट मिलेगा पूरी ड्रेस पे, व्हाइट के ऊपर ब्लू कलर के फ्लावर प्रिंट दे रखा है जो काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। और ये ना मैक्सी लेंथ नहीं है, ये मिडी लेंथ आने वाली है, इसमें फ्लेयर एज सच उतना नहीं मिलेगा लेकिन 180 के हिसाब से मुझे लग रहा है बहुत अच्छी डील है। अगर ये 200 और 230 में भी मिलती ना तो मैं इसको परचेज कर लेती, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी लगी कलर भी और इसकी क्वालिटी भी। अब फटाफट से इसको ट्राई ऑन करते हैं एंड इसका फाइनल लुक देखते हैं। ये है हमारी सबसे सस्ती ड्रेस इस हॉल की और आप इसका ना पूरा लुक देख सकते हो किस तरीके की आपको ये ड्रेस मिलने वाली है और पहनने के बाद ये क्या लुक देगी, ठीक है। इसमें जो प्रिंट दे रखा है वो ब्लू कलर में दे रखे हैं, बहुत ही छोटे छोटे से प्रिंट है व्हाइट कलर पे, तो कलर कॉम्प्लीमेंट काफी अच्छा कलर है, कलर कॉम्बिनेशन इन्होंने बहुत अच्छा दे रखा है, ठीक है। बस्ट एरिया पे जो इन्होंने पैटर्न दे रखा है वो बॉक्सी पैटर्न आपको मिल जाता है, इलास्टिकेटेड वर्क मिल जाता है, तो बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं स्ट्रेच हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे ना आपको ये थोड़ा सा ना सिर्फ रफेल वाला था, अभी तो सीधा हो गया, ये कुछ इस तरीके का मुड़ रहा, तो ऐसे भी आप रख सकते हो, दोनों तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है। क्वालिटी इसकी अच्छी है, 180 रुपीज में मेरे को नहीं लगता कोई ड्रेस मिलेगी, बट आपको एक ड्रेस मिल रही है। मीशो सच में बहुत ज्यादा अफोर्डेबल ड्रेसेस आपको दे देता है, सूट भी मिलते हैं बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। बैक से ये कुछ इस तरीके की दिखेगी, सेम ही पैटर्न आपको बैक पे भी मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात मेरे को इसमें लगी कि 180 ड्रेस मतलब 180 की ड्रेस होने के बावजूद आपको ना यहाँ पे जो उन्होंने स्टेप दे रखी है वो एडजस्टेबल दे रखी है, तो थोड़ा से यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखा तो काफी ज्यादा सही है, बहुत अफोर्डेबल आपको ये ड्रेस मिल जाती है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी कलर ले सकते हो, साइजेस भी इसमें बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आपको गिफ्ट पर्पज से कोई ड्रेसेस चाहिए ना, किसी को लेना देना है या कुछ, तो ये भी मेरे को लगता है बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपको अफोर्डेबल रेंज में चाहिए अंडर 200 तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, 6-7 कलर लेके रख लो,
क्योंकि बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे। और ये ड्रेस ना बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है बिकॉज ऑफ ये इतनी ज्यादा अफोर्डेबल है, 180 रुपीज में आपको मिल रही है, ठीक है। तो पूरा लुक कुछ इस तरीके का आएगा, ज्यादा फ्लेयर आपको इसमें नहीं मिलेगा, इतना ही फ्लेयर मिलेगा, बट मुझे लगता है 180 के हिसाब से बहुत सही आपको इसमें फ्लेयर मिल जाता है, ठीक है। तो क्वालिटी काफी सही लगी अकॉर्डिंग टू प्राइस। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आर्टिकल की मैंने नेक्स्ट क्या खरीदा है। एंड नेक्स्ट है मेरे पास अगेन एक प्रिंटेड ड्रेस, ये भी ना मेरे को बहुत ज्यादा पसंद थी। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके की है। अभी मैंने एक ब्लू कलर की ड्रेस दिखाई थी, उसके ही बहन कह सकते हो आप, बट ये प्रिंटेड है, वो सॉलिड पैटर्न में आपको मिल रही थी। ये देखो आपको ना इसमें भी 3 लेयर पे वर्क मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे और फिनिशिंग के साथ इन्होंने काम कर रखा है। पूरी ड्रेस पे आपको प्रिंट मिल जाएगा व्हाइट कलर का, बहुत छोटा छोटा से इन्होंने प्रिंट दे रखा है। अगर आपकी हाइट कम है ना तो आप ऐसे प्रिंट पहनोगे तो इससे आपकी हाइट है ना अच्छी लगती है, मतलब आप लंबे दिखते हो, ठीक है। अगर मैं इसकी नेक की बात करूँ तो आप ये देखो वी शेप में आपको नेक मिलता है, साथ में ना आपको लेस लगा के दे रखी है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी, क्रोशिया लेस है ये, अंदर की तरफ से लगा रखी है, ठीक है। और ये आप यहाँ पे देखोगे बैक साइड पे भी आपको सेम ऐसा ही पैटर्न मिल जाएगा। और इन ड्रेसेस में ना कोई भी आपको स्लीव्स अटैच करके नहीं मिलेगी। फ्लेयर में आपको दिखाती हूँ, तो कुछ इस तरीके का आपको फ्लेयर मिल जाएगा। ये देखो आपको 3 से 3.5 मीटर का इसमें फ्लेयर मिल रहा है, रेयॉन का फैब्रिक है, रेयॉन नहीं कॉटन का फैब्रिक है। क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसका ना फील भी बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ये फैब्रिक रहने वाला है। मुझे तो पर्सनली काफी पसंद आया, फटाफट से ट्राई ऑन करते हैं इसका फाइनल लुक देखते हैं। ये ड्रेस भी ना मेरे को सेम ही रिसीव हुई है और पहनने में भी बहुत ज्यादा कूल लग रही है। साइज में मैंने आई गेस एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल मंगाया, मुझे याद नहीं है, बट इसकी फिटिंग बहुत ज्यादा अच्छी आई है। आप देख सकते हो आर्म होल इसके बिल्कुल फिटेड है, ना ही ज्यादा लूज है और ना ही ज्यादा टाइट है कि आपको गर्मी में प्रॉब्लम हो। नेक की अगर मैं बात करूँ तो क्रोशिया लेस की ना आपको इसमें डिटेलिंग मिल जाएगी, फ्रंट पे भी है और बैक पे भी है। और नेक इसका थोड़ा सा डीप है, ज्यादा नहीं, आप देख सकते हो जितना भी आपको वीडियो में क्लियर दिख ही रहा होगा, ठीक है। इतना डीप नहीं है, मेरे को कंफर्टेबल है। फिटिंग बहुत अच्छी है इसकी, सच में बहुत अच्छी इन्होंने फिटिंग दे रखी है। यहाँ से ना थोड़ा ए लाइन पैटर्न में आपको ये ड्रेस मिल जाती है, तो कुछ इस तरीके का आपको प्रॉपर इसमें फ्लेयर मिल जाता है, 3 से 3.5 मीटर का आपको इसमें फ्लेयर मिल जाएगा। और सारी की सारी ड्रेस ना आपको लेयर्ड बाय मिलेगी, आप देख सकते हो 3 लेयर में आपको ये ड्रेस बना के दे रखी है। और इसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो स्टिचिंग काफी अच्छी दे रखी है, प्रिंट बहुत नीट एंड क्लीन है, कहीं पे भी ना कलर फेड नहीं हो रहा है प्रिंट का। कई बार क्या होता है तब आप ऐसी ड्रेसेस मंगाते हो ना कलर इधर उधर धब्बे से बने होते हैं, तो ऐसा इसमें तो कुछ नहीं हो रहा है। बट इन ड्रेसेस में ना आपको स्लीव्स अटैच कर नहीं दी गई है, तो कहीं आप मेरे को बोलो दी इसमें स्लीव्स है या नहीं, तो स्लीव्स नहीं मिलेगी। बैक से ना कुछ इस तरीके का मिलेगा, सेम ही नेक डिजाइन आपको बैक पे भी मिल जाएगा और फ्लेयर आपको कुछ इस तरीके का पूरी ड्रेस में मिल जाएगा। आपको मैं पूरा फ्लेयर दिखा देती हूँ, तो काफी कूल लग रही है और इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, ठीक है। साइजेस भी इसमें बहुत सही मिल जाएंगे, प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। कॉटन का आपको इसमें मटेरियल मिल जाता है, प्रिंट बहुत अच्छा है, फिनिशिंग नीट एंड क्लीन दे रखी है, तो आप ना इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरे को काफी सही लगी, वर्थ इट इज प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आर्टिकल की मैंने नेक्स्ट क्या खरीदा है। एंड नेक्स्ट है मेरे पास मोस्ट ट्रेंडी ड्रेस फ्रॉम मीशो। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके की है। आजकल ना पता नहीं यार, मैं हर जगह देख रही हूँ डबल टोन में ड्रेसेस बहुत मिल रही है, चाहे वो आपकी जींस हो, एक साइड का कलर अलग होता है, एक लेग का कलर अलग होता है। बट मैंने ऐसा कुछ नहीं मंगाया, मैंने एक ड्रेस मंगाई है जो आपको डबल टोन में मिलेगी। इस तरीके का आपको कलर मिल जाएगा, पर्पल के शेड है दोनों, ठीक है, एक लाइट है और एक डार्क है। यहाँ पे आपको कॉलर नेक शर्ट स्टाइल में आपको इसका नेक मिल जाता है, साथ में आपको स्लीव्स मिलती है जो कि बलून है, यहाँ पे आपको इलास्टिक मिल जाती है और यहाँ पे ना थोड़ा सा पफ क्रिएट हो रहा है, अगर आपको ये पफ दिख रहा है तो, ठीक है। फ्लेयर में आपको दिखाती हूँ, कुछ इतना आपको इसमें फ्लेयर मिल जाता है। ये देखो फ्लेयर भी बहुत अच्छे खासे मिल रहा है और इसका फैब्रिक आई गेस क्रैप का है, तो सही लग रहा है मेरे को क्रैप का ना। मुझे लगता है गर्मी में ज्यादा सही रहता है, ठंडा रहता है ये फैब्रिक, मेरे को ज्यादा कंफर्टेबल रहता है क्रैप का, ठीक है। और मैं आपको बैक से दिखाती हूँ, बैक से कुछ इस तरीके की ड्रेस दिखेगी, बहुत ज्यादा फ्लोई है और इसका ना घेरा भी मेरे को बहुत सही लगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसके साथ ना बेल्ट भी आई है जो लाइलैक कलर में है और यहाँ पे ना लुक्स भी दे रखे हैं। ये देखो यहाँ पे आपको बेल्ट लगानी है। अब फटाफट से ना इसको ट्राई ऑन करते हैं, इसका फाइनल लुक देखते हैं कि पहनने में कितनी ज्यादा कंफर्टेबल है और पहनने के बाद लुक कैसा दे। जिनको भी ना ट्रेंड में रहना पसंद है, ये ड्रेस स्पेशली उनके लिए होने वाली है क्योंकि ये आजकल ना बहुत ज्यादा ट्रेंडी है मीशो पे। तो इसमें आपको ना बहुत सारे कलर मिल जाएंगे और मैंने जहाँ से मंगाया है कि वहां पर यही एक सिंगल कलर था, बट अलग अलग सेलर पे आपको बहुत सारे कलर भी मिल जाएंगे और हो सकता है इसमें भी अब अवेलेबल हो कलर, ठीक है। मेरे को अभी याद नहीं है, मैंने देखा नहीं है दोबारा। तो इसको मैं ना आपको डबल टोन में मिलेगी, जितने भी ड्रेसेस में होंगे सारी डबल टोन में मिलेगी। एक साइड आपको उसका लाइट शेड मिलेगा, एक साइड पे आपको उसका मिलेगा थोड़ा सा डार्क शेड। अगर मैं इसके डिटेलिंग की बात करूँ तो आपको फ्रंट में ना यहाँ पे बटन मिल जाएंगे, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे, बट ये बटन बिल्कुल भी काम के नहीं है क्योंकि ये खाली ना शो ऑफ के लिए लगा रखे हैं, ये ओपन नहीं होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी ओपन करने के लिए नहीं, ये स्टिच कर दिए गए हैं डायरेक्ट,
यहाँ तक ही आपका जो नेक है वो ओपन रहेगा, इसी से आपको पहनना और उतारना है इसको, ठीक है। बटन किसी काम के नहीं है। फ्रंट में ना आपको ऐसे थोड़ी सी स्लिट मिल जाएगी इस तरीके की, और इतना आपको इस ड्रेस में फ्लेयर मिल जाता है, आप इसका फ्लेयर भी देख सकते हो। इसमें थ्री लेयर में आपको काम मिल जाएगा, तो कुछ इस तरीके की आपको लेयर्स यहाँ पे दिख जाएंगी। कलर मेरे को सही लग रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब जो मेरा स्टाइल है पर्सनली, वो डबल टोन मैं इतना प्रिफर नहीं करती हूँ, बट क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी आई है। अगर आपको डबल टोन पसंद है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉलर की फिनिशिंग आप देख सकते हो, कॉलर की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, वरना आप इतनी चीप रेट पे तब प्राइस पे मतलब मंगाते हो ना चीजें, तो इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको नहीं प्रोवाइड की जाती है, बट ये आपको मिल रही है। और यहाँ पे कुछ आपको फिनिशिंग के साथ, इन्होंने ना स्टिचिंग भी फिनिशिंग के साथ किया है, और ये जो डिजाइन बनाया है वो भी फिनिशिंग के साथ है। अगर मैं आपको स्लीव्स की दिखाऊं तो बलून काइंड ऑफ स्लीव्स आपको मिल जाएगी, यहाँ पे इलास्टिक मिल रही है, ज्यादा टाइट इलास्टिक नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो, लूज है जो कि यहाँ तक भी जा रही है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे आपको पफ में थोड़ा सा वर्क मिल जाएगा स्लीव्स पे, आप देख सकते हो, तो मेरे को काफी ज्यादा कूल लगता है। बैक से ना ये ड्रेस कुछ इस तरीके की दिखेगी, डबल टोन में बैक से भी है, आप देख सकते हो। साथ में इसकी बेल्ट आई, तो मैंने बेल्ट लगा लिया लाइलैक कलर में, इसकी मेरे को बेल्ट रिसीव हुई है, मिडी लेंथ तक आपको ये मिल जाती है, तो कुछ इस तरीके का लुक आपको प्रॉपर ड्रेस का मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू प्राइस वर्थ इट है, क्रैप का आपको इसमें फैब्रिक मिल जाता है, और क्वालिटी भी मेरे को इसकी बहुत अच्छी लगी, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना नेक्स्ट आर्टिकल कि मैंने नेक्स्ट क्या परचेज किया है। ओके, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इस हॉल की नेक्स्ट ड्रेस की मैंने नेक्स्ट क्या मंगाई। ये बहुत ज्यादा पुरानी है, बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो इस बार ड्रेस हॉल बना रहे हैं तो इसको मंगाते हैं, बट ये सच में यार इतनी अच्छी आई है। ये ना 280 रुपीज की थी आई गेस, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। फर्स्ट आप ये देखो ना, इसका फैब्रिक इतना ज्यादा स्ट्रेचेबल है, ये देखो फैब्रिक बहुत स्ट्रेचेबल है और बहुत ना लेंथ ही रहने वाली, तो मेरे को लग रहा है काफी सही लगेगी। और ये ना पूरा आपको बंद गले की ड्रेस आपको मिल जाती है, यहाँ पे देखो आपको कुछ इस तरीके का नेक मिलेगा, ठीक है। बैक पे आपको जिप मिलती है, यहाँ पे इस तरीके की आपको जिप मिल जाती है इनविजिबल यहाँ तक। और इसके साथ जो आपको स्लीव्स मिल रही है, शेयर स्लीव्स है, इसमें ना आपको कोई भी लाइनिंग अटैच करके नहीं दी गई है, और यहाँ पर ना आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा, ठीक है। मैंने एक कुर्ता भी बना रखा है ऐसे, आप लोगों को बहुत पसंद आता है इस पैटर्न में। और बैक में इसमें आपको कुछ कटआउट डिटेलिंग दे रखी है नीचे की साइड पे, ठीक है। ऐसे ड्रेसेस से क्या होता है, चलने फिरने में ना आसानी हो जाती है, वरना वो बहुत ज्यादा चिपकते तो आप चल नहीं पाते हो कंफर्टेबली, बट ऐसे ड्रेसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके का आपको इस पूरी ड्रेस में प्रिंट मिल जाएगा, प्रिंट बहुत अच्छा है, ब्लैक एंड व्हाइट के साथ इन्होंने दे रखा है, जियोमेट्री पैटर्न आप इसको कह सकते हो। फैब्रिक मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, फटाफट से ना इसे ट्राई ऑन करते हैं, इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो अभी तक जितने भी ड्रेसेस मैंने आपको दिखाई है ना, वो सारी की सारी फ्लेयरी ड्रेस थी, मिडी और मिनी, बट एक मैंने बॉडीकॉन ड्रेस मंगाई थी, क्योंकि तब मैं सर्च कर रही थी अंडर 400 ड्रेसेस, तो उसमें एक बॉडीकॉन ड्रेस आई थी जो मेरे को बहुत सही लग रही थी, देखने में अच्छी थी, और इसको ना बहुत सारे लोगों ने रिव्यू किया था, काफी अच्छे इसके रिव्यू थे, ठीक है। इसमें दो पैटर्न आपको मिल जाएंगे, एक तो इसमें जो है व्हाइट कलर का आपको बेस मिलता है, प्लस ब्लैक कलर का प्रिंट है। एक सिमिलर ड्रेस थी, बट उसमें आपको जो बेस है वो ब्लैक कलर का मिलेगा, और जो प्रिंट है वो व्हाइट कलर का मिलेगा, ठीक है। इसका ऑपोजिट था, उसमें जो कलर कॉम्बिनेशन दे रखा था। तो इस ड्रेस की अगर मैं डिटेलिंग की बात करूँ, तो पहले आप इसका ना लुक देख लो, ओवरऑल आपको लुक किस तरीके का मिलेगा इस ड्रेस को पहनने के बाद, ठीक है। बॉडी हगिंग ये ड्रेस है, मतलब ये बॉडीकॉन ड्रेसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको स्लीव्स दिखाती हूँ, स्लीव्स सच में बहुत अच्छी आई है, बहुत कंफर्टेबल है, और एक तो इसका फैब्रिक इतना ज्यादा इलास्टिकेटेड है, मतलब स्ट्रेचेबल है, तो स्लीव्स में कोई इलास्टिक नहीं लगा रखी, बट फैब्रिक इतना स्ट्रेचेबल है तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। जॉर्जेट के फैब्रिक पे ना आपको ये बलून स्लीव्स बना के दे रखी है, जो मेरे को तो बहुत अच्छी आई है फिटिंग वाइज और लेंथ वाइज, ठीक है। और अगर मैं फ्रंट से बात करूँ ना, तो इसमें आपको कॉलर नेक नहीं, बिल्कुल राउंड नेक आपको मिल जाता है, जो बंद गला जिसको कहा जाता है, कुछ इस तरीके का नेक मिल जाएगा, तो कुछ भी रिवीलिंग वाला तो यहाँ पे सीन रहेगा नहीं, आपको डीप नेक बिल्कुल भी इसमें नहीं मिल रहा है। फैब्रिक इसमें आप देखो कितना ज्यादा स्ट्रेच बोला, मैंने यहाँ से पकड़ा इसको, इतना ज्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हो, अगर मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल साइज को अगर कोई स्मॉल साइज वाला या मीडियम साइज वाला भी पहनेगा ना, तो उसको भी फिट आएगी, इतना ज्यादा स्ट्रेचेबल आपको फैब्रिक मिल जाता है। बैक से आपको मैं दिखाती हूँ किस तरीके की लगेगी। सबसे अच्छी बात ये है कि ये बॉडीकॉन है ना, तो इसमें इन्होंने जिप दी हुई है, वरना कुछ ड्रेसेस में जिप नहीं देते हैं, ऐसे ही दे देते हैं कि भाई स्ट्रेचेबल है तो बंदा पहन लेगा, तो ये चीज कंफर्टेबल है कि इन्होंने जिप दी गई है, जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, और इनविजिबल आपको जिप मिल जाती है। बैक में ना आपको बॉटम पे ये आपको स्लिट मिल जाएगी, आप ये देख सकते हो स्लिट है, इससे क्या होता है, तब आपकी थोड़ी नी लेंथ से ज्यादा होती है ड्रेस, तो आपको चलने फिरने में ना प्रॉब्लम होती है ऐसे, अगर ये बंद होता है, तो इन्होंने जो स्लिट दी है ना, इससे कंफर्टेबल रहता है आपके चलने में, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो आपको इसका लुक पता ही चल गया है किस तरीके का। ये 288 रुपीज में मैंने मंगाई, आएगा इस आई गेस 88 या फिर 83 में मैंने मंगाई है, तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, फिट भी बहुत अच्छा है। इवन आप ना इसको बर्थडे पार्टी में भी पहन सकते हो, गेट टुगेदर है कोई छोटा मोटा, आपको वहाँ पे वेस्टर्न ड्रेस वेयर करनी है तो भी आप पहन सकते हो, बहुत अच्छी है।
तो ये था मेरा आज का मीशो ड्रेस हॉल। आई होप आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो एंड शेयर कर देना वीडियो फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपको इस ड्रेस का लिंक चाहिए ना, ये भी मैंने मीशो से खरीदी थी और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। इन्हीं ड्रेसेस के साथ ट्रेंडी है ये इस टाइम, मीशो मिंत्रा अजियो कहीं पर भी देख लो, बहुत ट्रेंडी है ये ड्रेसेस। ठीक है, तो मेरे को तो इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी। एंड हाँ, इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बोला था कि मैं ना अब बैक टू वीडियो लाऊंगी ही मीशो की, बट सोचा था कि वीक में दो वीडियोज हम बनाएंगे, बट मुझे ना प्रोडक्ट रिसीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आ नहीं पा रहे हैं टाइम से। तो अभी सोचा है कि इस प्लान को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और अभी वीक में एक ही वीडियो हम लोग बनाते हैं जैसे हमेशा बनाते हैं। ठीक है, तभी भी मेरा ऐसा कुछ होगा कि मैं हफ्ते में दो वीडियो बना पा रही हूँ या फिर मेरे को प्रोडक्ट टाइम से डिलीवर हो रहे हैं, तो मैं आपको उसके अपडेट दे दूंगी, इंस्टाग्राम पे भी दे दूंगी। अगर आपने वहां पे फॉलो किया तो आपको वहां पता चल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगी यूट्यूब की कि अब से दो वीडियो आएंगी हॉल की। ठीक है, तो अभी तो एक ही वीडियो प्लान करेंगे। ठीक है, और बस इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। अब मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।